LabelLife.com, associated with the Phoenix market city Kurla, was to experience the sensation Malaika Arora with sharing her fashion tips in a masterclass with fans. ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो पता नहीं चलता है कि टच कैसा है, फील कैसा है, क्या खरीद रहे हो, कैसे लग रहा है, कैसे नहीं लग रहा है. सो आई थिंक एन अपॉर्चुनिटी लाइक दिस इज परफेक्ट फॉर अस, बिकॉज यू कैन एक्चुअली कम सी द मर्चेंडाइज, यू कैन टच एंड फील द मर्चेंडाइज. जो आपको अच्छा लगे आप पिकअप कर सकते हैं, यू कैन ट्राई इट. सो एंड ऑल्सो वी गेट एन इमीडिएट डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम आर कस्टमर्स. सो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस एट लेबल. Label Life is an online portal where one can choose and buy authentic clothes, and Malaika, who looked chic in a yellow dress paired with beautiful shoes and metallic glasses, spoke about the launch, her two besties Bipasha and Suzanne, and also about how one should pick clothes as per the season, time and color. Definitely I miss Karu because we are like a threesome, a little troika that we have over here. So I feel थोड़ा इनकम्प्लीट लगता है कि बिपाशा और सुजान नहीं है, लेकिन आई विल से हाई टू देम एंड आई एम गोइंग टू टेल देम दैट आई मिस देम. बट नेवरदलेस वी आर ऑल हियर फॉर एंड आई एम श्योर वेयरएवर दे आर राइट नाउ दे आर वेरी मच विशिंग ईच वन ऑफ अस ऑल द वेरी बेस्ट. फिर भी हम मज़ा कर रहे हैं आपका. आई थिंक एवरीबडी हैज़ क्वेश्चंस. जब भी आप अपने क्लोजेट आप खोलते चेक करते हो कि क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कैसे लगना है, यू नो कैसे कौन से सीजन में क्या पहनना है, आई थिंक कलर्स कौन से आप पे सूट होता है. तो आई थिंक दैट्स इट्स अ परफेक्ट प्लेस टू हैव अ स्टाइल मास्टर क्लास वेयर आई कैन एक्चुअली गिव यू वन ऑन वन टिप्स ऑन ऑल द क्वेरीज दैट यू हैव एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग दैट वन ऑफ. फैशन एक बहुत ही पर्सनल और इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ होती है. आई मीन जो आपको फैशनेबल लगे शायद मुझे फैशनेबल ना लगे, या एंड आई गेस what looks good on you may not look good on me. So I think everybody's definition of fashion or being fashionable is very very personal and very different. Malaika visited the store and posed with a couple of clothes and simply stunned everyone with her looks.